हेलो फ्यूचर लीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो एग्जाम देने जा रहे हैं कल। कॉपी पे लिखते समय कई बार स्टूडेंट्स एक एक छोटी छोटी ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनका एग्जाम रुक जाता है, रिजल्ट रुक जाता है और कई बार कॉपी डिवार्ड तक हो जाती है। तो ऐसे में ऐसी परेशानियों से बचने के लिए इस वीडियो को अभी पूरा देखें लास्ट तक, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से कॉपी पे आपको एंट्रीज करनी है ताकि एग्जाम में होने वाली ये मिस्टेक से आपका रिजल्ट ना रुक जाए। तो स्टूडेंट्स, कॉपी पे कैसे लिखना है, आंसर्स को लिखने का क्या मेथड है, कॉपी कितने पेज की है, कैसा आपको मैनेजमेंट रखना है कॉपी पे आंसर लिखते समय, वो सारा इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेस। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और पेपर देने के बाद आप सभी लोग जरूर बताइए कि भाई आपका एग्जाम कैसा रहा, टेक्निकल फिजिक्स चैनल की आपको कुछ हेल्प मिल पाई या नहीं मिल पाई, जरूर कमेंट करिएगा। तो स्टूडेंट, जो कॉपी के फ्रंट पेज पे पार्ट वन आपको भरना रहेगा, उसमें सबसे पहले आपको डेट ऑफ एग्जाम डाल देनी है। शिफ्ट अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में हैं तो आप मॉर्निंग या फर्स्ट लिख सकते हैं, और रूम नंबर जो भी आपको वहां पे अलॉटेड है। पेपर कोड ध्यान देना है, सब्जेक्ट कोड ही आपका पेपर कोड होता है, जैसे कि फिजिक्स के केस में KS101T है। सब्जेक्ट का नाम पूरा लिखेंगे, सेमेस्टर वन आप लिख देंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट में स्टूडेंट्स आपको कैपिटल लेटर्स में कंप्लीट फुल नेम लिखना है। रोल नंबर्स में स्पेशली ध्यान देना है स्टूडेंट्स, आपको नंबर वन वाले ब्लॉक से ही रोल नंबर्स को लिखना शुरू करना है उन सभी स्टूडेंट्स को जो फ्रेश एग्जाम इस बार दे रहे हैं। जो लोग कैरी ओवर का या एक्स स्टूडेंट है उनके रोल नंबर 10 डिजिट के होते हैं तो उनको शुरू के 3 ब्लॉक खाली छोड़ देने, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं और इन दो जगहों पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर और कॉपी पे सेकेंड पार्ट जो स्टूडेंट्स रहेगा वो आप लोगों को फिल नहीं करना होता है। उसमें जो आप लोग कॉपी पे लिख रहे हैं उसमें जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो इवेलेटर उसको खुद से फिल करेगा। तो ये वाला सेकेंड पार्ट कॉपी पे फ्रंट पेज पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है, और ध्यान रहे कि जो ये बार कोड बने रहेंगे उस बार कोड को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, एज इट इज ही उसको खाली छोड़ देना है। तो सबसे ज्यादा जो मिस्टेक स्टूडेंट्स होती है वो पार्ट थर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, इसको मैं बहुत अच्छे से बता दे रहा हूं आपको ताकि आप कल गलती ना करें। तो एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, ऊपर तो आप बेसिक जानकारी पूछी गई वो आप लिख देंगे, कोर्स ब्रांच सेशन सेमेस्टर सब्जेक्ट नेम। अब नीचे जो पेपर कोड लिखा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान देना कि आपका पेपर कोड है जैसे KS101T, तो आपको अल्फा वाले पार्ट में अल्फाबेट्स लिखने हैं और न्यूमेरिक वाले पार्ट में न्यूमेरिक्स लिखने हैं। न्यूमेरिक में 101 के साथ टी है जो कि अल्फाबेट है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, जो न्यूमेरिक के साथ लगा हुआ अल्फाबेट होता है उसको न्यूमेरिक वाले पार्ट में ही ऐसे ही लिखना है। और मान लीजिए अगर किसी सब्जेक्ट में सिर्फ KS101 मान लीजिए अगर आपका कोड है उसमें लास्ट में न्यूमेरिक के साथ टी ए कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप उसको एज इट इज स्टार्टिंग के 3 ब्लॉक्स में ही लिखेंगे, और इधर जो अल्फाबेट्स लिखने हैं वो लास्ट के 3 ब्लॉक्स में ही लिखना है उनको। इसी तरीके से नीचे एग्जाम डेट है स्टूडेंट्स, मैंने जैसा भर रखा है एग्जाम्पल वैसे आप भर सकते हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट में 3 ब्लॉक बने हुए हैं, फ्रंट रो मिडिल रो और लास्ट रो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम लिख सकते हैं कैपिटल लेटर्स में। सेंटर कोड में जो दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे हैं एग्जाम में वो है सेंटर कोड से रिलेटेड। आपका जो भी सेंटर कोड है उसको आपको XYZ इस तरीके से फिल करना है, यानी कि जो भी उसमें 01234 कोड आपका बन रहा है उसको आपको लास्ट के 3 ब्लॉक्स में फिल करना है, पहला ब्लॉक आपको खाली छोड़ देना है। तो मोस्ट ऑफ दी केस में आपका ब्लॉक 3 ही रहता है, यानी कि 3 ही डिजिट के सेंटर कोड रहते हैं। अगर किसी का इससे कम या ज्यादा है तो आप उसके लिए अपने एग्जाम सेंटर पर बात कर सकते हैं कि कैसे करना है। तो फिलहाल इन मोस्ट केसेस आपको शुरू के ही जो डिजिट्स हैं ब्लॉक्स हैं वो खाली छोड़ने होते हैं। इधर स्टेटस ऑफ कैंडिडेट को भरना कंपलसरी है, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या रीएडमिटेड हैं या कैरी ओवर का पेपर दे रहे हैं एक्स हैं, तो जिस पे भी आप हैं स्टेटस आपका उसको पूरा अच्छे से सर्किल कर देंगे। नीचे कॉपी का नंबर दिया गया रहता है जिसको आंसर बुकलेट नंबर कहते हैं, ये 10 डिजिट का होता है, जैसे सैंपल के मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 से लेके, ये नंबर आपको कई जगह पर फिल करना रहता है, जो अटेंडेंस शीट आती है, जो वेरिफिकेशन कार्ड आता है, सभी पर। पेपर आईडी स्टूडेंट ध्यान देना है,
ये सब्जेक्ट आईडी या पेपर कोड से डिफरेंट चीज है। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसमें है पेपर कोड को ही भर देते हैं, जबकि पेपर आईडी आपकी जो आपको पेपर एग्जाम रूम में मिलेगा उस पर लिखी हुई होती है और वही पेपर आईडी आपको लिखनी है। इसमें बहुत जल्दबाजी ना करें, जब पेपर आपके पास आ जाए तो इत्मीनान से बैठ करके ही पेपर आईडी को लिखें। नीचे बारकोड दिया रहेगा, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। पार्ट थर्ड में कई स्टूडेंट्स जो सर्किल फिल करते हैं उनको भी गलत तरीके से कर देते हैं, तो उसका करेक्ट मेथड आपको कॉपी के बैक साइड यानी कि फ्रंट पेज के बैक साइड में भी दिया गया रहता है। तो करेक्ट मेथड है जिसमें टू वाले पे देखिए सर्किल किया गया, कंप्लीट सर्किल करना है, दिस इज करेक्ट मेथड। इनकरेक्ट मेथड वो सभी है जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जिनमें टिक बना हुआ है या आपने क्रॉस कर दिया है या आधा आपने सर्किल किया है या इस तरीके से सर्किल किया है जैसा फोर्थ में दिखा रखा है, तो ये सभी मेथड आपके इनकरेक्ट मेथड है, आपको ऐसा यूज नहीं करना है, आपको केवल करेक्ट मेथड रखना है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे बहुत बोल्ड लेटर से हाईलाइट की गई है कि आपको बार कोड के ऊपर कोई भी निशान नहीं बनाना है, ना उसमें कोई लाइन खींचनी है। अगर आपने किया ऐसा तो आपकी कॉपी कैंसिल हो सकती है। तो पार्ट फोर में आपको स्टूडेंट्स कॉपी के फ्रंट पेज पे कैंडिडेट रोल नंबर लिखना पड़ता है, तो आपका रोल नंबर आप देख सकते हैं 13 डिजिट का है, तो आपको स्टार्टिंग के ब्लॉक से ही इसको भरना शुरू कर देना है और कोई भी आपको ब्लॉक खाली नहीं छोड़ना है। ब्लॉक खाली छोड़ने का केस केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के केस में होता है जो बैक पेपर दे रहे हैं, कैरी ओवर पेपर दे रहे हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, तो उनका रोल नंबर 10 डिजिट का रहता है, तो बाकी सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पहले ब्लॉक से ही भरना शुरू कर देना है। सेम ऐसे ही पेपर आईडी जो पेपर में लिख करके मिली है उसको यहाँ पे फिल करना है और उसी से रिलेटेड जो भी नीचे ब्लॉक्स होंगे आपको उनको सर्किल कंप्लीट कर देना है। यहाँ आप सिग्नेचर करना ना भूलें, इधर इन्विजिलेटर जो आपके रूम में आए हैं उनको साइन होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स का 10 डिजिट का रोल नंबर रहेगा वो किस तरीके से फिल करते हैं या करना है उनको, उसका सैंपल यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो इसमें स्टार्टिंग के 3 आपको ब्लॉक खाली छोड़ देने हैं। ध्यान रखना है कि 10 डिजिट वाले जो रोल नंबर्स हैं केवल उनके ही केस में ऐसा होना है। स्टूडेंट्स कॉपी पे आपको कुछ इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए मिल जाएंगे जिसको मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप पहले से अवेयर रहें। आपको पहली चीज जितनी भी चीजें वहां पर मिलेंगी उन सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको जो आपका फ्रंट पेज है या बैक साइड का जो कवर पेज है उसमें लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको जो कॉपी मिल रही है लिखने के लिए आंसर शीट उसके दोनों साइड में लिखना है, यानी कि दोनों पेजेस को आपको यूज करना रहेगा। आप अपने जो पेपर है उस पर एडमिट का जो भी आपका उसमें रोल नंबर आपको मिला हुआ है उसके अलावा कोई भी चीज क्वेश्चन पेपर के ऊपर ना लिखें, वो यूएफएम की कैटेगरी में आ जाता है। तो आप अपना जो पेपर है उस पर आईडी बहुत अच्छे से देखें और उसको कॉपी पर ठीक ढंग से ही भरें। आप अपनी कॉपी को मिलते ही चेक कर लें कि वो कहीं से डैमेज ना हो, उसमें कोई चीज मिसिंग ना हो, पेज कम ना हो। अगर कुछ ऐसा आपको दिखता है तो आप उसको तुरंत चेंज करा लेंगे, आपकी कॉपी चेंज हो जाएगी। आप अपनी वहां पर जो कॉपी पर स्टेटस है उसको बहुत अच्छे से लिखें। स्टेटस का मतलब है कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं कि कैरी ओवर हैं या क्या स्टूडेंट का स्टेटस है, वो जरूर ध्यान से रखें। हर चीज आपके एडमिट कार्ड पर लिख करके जो कॉपी पर भरनी रहती है वो आपको दी जाती है। उत्तर पुस्तिका यानी कि जो आपकी आंसर शीट है उसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें टोटल 32 पेज आपको लिखने के लिए मिलते हैं। तो इस चीज का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर कम पेज है तो आप तुरंत चेंज कर लें। आप चेक कर लें कि 30 मिनट के अंदर अंदर तक अगर आपने कॉपी में कोई भी चेंज कर दिया, गलती कर दी है या आपके पास जो पेपर आया है वो गलत पेपर आ गया है, आपके सब्जेक्ट का नाम या उसमें कोई मिस्टेक है, तो हो सकता है वो कैरी ओवर वाले का पेपर आपको मिल गया हो, तो आपको बहुत अच्छे से खुद से भी चेक कर लेना कि जो आपको पेपर मिला है वो वही पेपर कोड होना चाहिए जिसका पेपर आप देने के लिए आए हुए हैं। आपको जो आंसर शीट मिली है उसमें आप पेंसिल का यूज ना करें, आपको बहुत जो हार्ड डार्क चलते हैं पेन उन्हीं का यूज करना है क्योंकि कॉपी स्कैन की जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको कोई भी सप्लीमेंट्री आंसर बुक शीट नहीं दी जाती, यानी कि बी कॉपी नहीं मिलेगी, ना ही कोई ग्राफ दिया जाता है, तो आपको उसी कॉपी को यूज करना है जो 32 पेज की आपको दी गई है।
स्टूडेंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कॉपी पर लिखें कैसे, तो मैंने देखा कि पीयूटी में या जो आपके पुराने होम एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर को लेकर के बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, तो उन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुने समझें देखें। तो आपको आंसर नंबर प्रॉपर लिखना है, जैसा क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर है वैसा ही आपको आंसर शीट में आंसर नंबर लिखना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से आंसर की नंबरिंग ना करें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सेक्शन ए है उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना करें, उसमें अगर ए लिखा है तो ए ही लिखें, बी लिखा है तो बी ही लिखें, आप अपने हिसाब से उसमें नंबरिंग ना करें, ठीक है। तो कॉपी पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो नंबर आप लिखते हैं क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर, इसको आप ब्लैक स्केच पेन से ही लिखें, जो थोड़ा बोल्ड चलता हो यानी कि मोटा स्केच पेन हो ताकि वो अलग से दिखे। हेडिंग्स के लिए भी आप इसी का यूज कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर हर बार बहुत ध्यान से लिखना है, क्वेश्चन नंबर गलत होते ही आपके नंबर गलत चढ़ सकते हैं, और हो सकता है कि आपका क्वेश्चन नंबर जो आपने लिखा है वो अगर पेपर से मैच ही नहीं हो रहा है तो एग्जामिनर उस पूरे क्वेश्चन को गलत मानते हुए काट भी सकता है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना। अगर आपका गलती से कोई पेज छूट गया या इंटेंसली आपने छोड़ा तो आप जरूर ये मेंशन कर दीजिए पीटीओ, ताकि जो एग्जामिनर है वो नेक्स्ट पेज को जरूर पलटे और आपकी कॉपी अनचेक होने से ना रह जाए। तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात कि दो दो नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, कई बार आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो आप ऐसा ना करें कि एक एक डेढ़ डेढ़ पेज में दो नंबर के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है आपका, बस केवल टाइम वेस्ट होगा। तो आपको दो नंबर के लिए जितना लिखने की जरूरत है केवल उतना ही लिखें, और क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद थोड़ा सा एक लाइन या दो लाइन का गैप छोड़ दिया करें ताकि एग्जामिनर नंबर भी वहां पर दे सके। आपको डार्क ब्लू पेन यूज करना है, और मैंने भी बताया था आपको क्योंकि आपकी कॉपी डिजिटली चेक होती है, ऑनलाइन चेक होती है, स्कैनिंग में अगर लाइट पेन यूज करेंगे तो वो स्कैन नहीं हो पाएगी। आप उसमें हाईलाइटर का यूज बिल्कुल भी ना करें, जो आपका फ्लोरोसेंट ग्रीन टाइप की जो हाईलाइटर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो बहुत बड़ा लिखते हैं यानी कि उनकी हैंडराइटिंग काफी बड़ी रहती है, तो उनकी प्रॉब्लम होती है कि उनके लिए कॉपी कम पड़ जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपनी कॉपी का जो पेज है सिंगल पेज उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, लाइन स्केल से खींच लीजिए उसको, यानी कि दो कॉलम बना लीजिए, और इसमें आप जहां पर भी आपको लग रहा है कि अब हमारी कॉपी मेरी कम पड़ने वाली है वहां से आप ऐसा काम करना शुरू कर सकते हैं, और स्टार्टिंग से भी ऐसा रख सकते हैं जो बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, बाकी जो नॉर्मल राइटिंग जिनकी है या काफी छोटा लिखते हैं तो वो तो भाई उसी हिसाब से कॉपी के 32 पेजेस को यूज करने के लिए ही लिखें। ध्यान रखना है कि आपको जो 32 पेज मिल रहे हैं वो दोनों साइड मिला करके 32 पेज लिखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और बहुत जरूरी बात कि आपको UFM से बचना है, यानी कि अनफेयर मींस, जो कि अगर आप चीटिंग करते हैं या आपके पास गलती से इस तरीके के रिजल्ट्स एग्जाम में निकल जाते हैं, गलती से आपके पास पॉकेट में रह गए हैं, तो आप इन सभी केसेस में UFM की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिस कारण से आपका रिजल्ट रुक सकता है और आपकी बैक लग सकती है। तो आप मोबाइल फोन्स, डिजिटल वॉचेस, मैगजीन्स, पेन कैमरा, ब्लूटूथ कैमरा, पेपर चिट्स, बुक्स, ई टेबल्स, ये सारी चीजें ना ले जाएं, आप अपने हाथ पैरों में भी लिख करके ना ले जाएं, गलती से भी अपने एडमिट कार्ड पे या उसके पीछे कहीं भी कोई भी मार्क्स या कोई लिख करके फॉर्मूला ना ले जाएं, ताकि आप UFM ना हो जाए आपका, तो इससे बचिएगा। तो मेरे तो यही आपसे कहना है कि आपको अपना जितना आता है उसी हिसाब से आप अपनी कॉपी पे इसको करेंगे। स्टूडेंट्स कॉपी पे जो सबसे लास्ट पेज होगा वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें साथ में आपको सेमी लॉक पेपर दिया गया रहता है, जहां कहीं भी अगर आपको सेमी लॉक पेपर का यूज करना है तो आप इस पेज का यूज कर सकते हैं। हर पेज में आप स्टूडेंट देख रहे होंगे कि वहां पर साइड में जहां पेज नंबर लिखा होता है वहां पे बार कोड्स बने रहते हैं, इन बार कोड्स को आपको नहीं डिस्टर्ब करना है, ध्यान रखना है। टोटल 32 पेजेस हैं राइटिंग के लिए, तो आप उसी हिसाब से मैनेज करते हुए पेजेस को चलिएगा, कम पड़े तो एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो कल का पेपर सभी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हो, इसके लिए मैं बेस्ट विशेष सभी स्टूडेंट्स को देता हूँ, ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द सब्सक्राइबर्स। और अगर आप पास हो चुके हैं लेकिन अभी भी आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप अपने उन छोटे भाई बहनों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जो अदर यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी इस वीडियो से काफी बेनिफिट मिलेगा। तो अपने सभी आप नॉन स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो। जल्द मिलते हैं वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू।